बाबू बाबू अरे छोड़ के अनाज बना के चले गए यार, कि जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होते जा रहे हैं। बाबू कहाँ चले गए? हेलो हेलो, और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ। आज मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो यासीन मलिक और उसके JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आतंकवादी ग्रुप के 4 निहत्थे इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के मर्डर के बाद, और ना जाने कितने मासूम कश्मीरियों के खून में हाथ होने के बाद, 30 साल के बाद फाइनली इस आदमी और इसके टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो विक्टिम्स हैं उनको कुछ इंसाफ मिला है। NIA के कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया है जिसमें यासीन मलिक को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग जो होप कर रहे थे कि इस आदमी को फांसी दी जाएगी, वो फांसी अनाउंस नहीं की गई है, जिससे कि बहुत लोग आप जैसा समझ सकते हैं नाखुश हैं। खासकर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रवि खन्ना की पत्नी, रवि खन्ना वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है जिनके खून का डायरेक्टली यासीन मलिक के ऊपर आरोप है। कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, टेरर फाइनेंसिंग के केसेस में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है, इसलिए इस केस में भी डेथ पेनल्टी नहीं ऑफर की गई है। तो कोर्ट्स ने जो सेंटेंसिंग की है यासीन मलिक की, वो इन चार्जेस पर की है। सेक्शन 120B ऑफ IPC में 10 साल की सजा सुनाई गई है, UAPA के चार्जेस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, और सेक्शन 121 IPC यानी वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब देखिए, जनरली मैं एनकाउंटर कल्चर को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन अगर कोई आदमी है जो योगी जी की उस पुलिस वैन में बैठना डिजर्व करता है जो पुलिस वैन बीच सड़क में उलट जाती है, तो वो ये आदमी है। तो ये जो हियरिंग हुई थी जिसमें यासीन मलिक को सजा सुनाई गई है, उसमें कमाल की बात ये थी कि हियरिंग के दौरान यासीन मलिक ने अपने आप को एक गांधीयन बताया था। वाह बेटा, वैसे अगर सोचा जाए तो कुछ गलत नहीं बोल रहा है। याद करिए, गांधी जी ने एक बार कहा था कि मुसलमान हिंदुओं का कितना भी कत्लेआम करे, हिंदुओं को मुसलमानों की तरफ नफरत कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मुसलमान सभी हिंदुओं को मार कर एक नया इंडिया बनाना चाहें, तब हिंदुओं को खुशी खुशी मौत को गले लगाना चाहिए। तो अगर गांधी जी के इस बयान को मद्देनजर रखा जाए तो यासीन मलिक तो गांधीयन है ही। और यासीन मलिक के सेंटेंसिंग के बाद एक बात तो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि किस तरह से हमारे देश की मीडिया ने, हमारे देश के कई पॉलिटिशियंस ने, अलग अलग पार्टीज के पॉलिटिशियंस ने इस जानवर को एक यूथ आइकन की तरह और एक एक्टिविस्ट की तरह दर्शाया था। किस तरह से हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इस आदमी को एक यूथ लीडर दिखाकर अपने कॉन्फ्रेंसेस में स्पीच देने के लिए बुलाया था। आज दुखी तो बहुत होगे तुम। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। कसम से, अगर ये यूथ लीडर है, अगर ये एक्टिविस्ट है, फिर तो जॉनी सिंस भी वर्जिन है। इट्स नॉट इजी। आई एम प्योरली वर्जिन सिंस आई वाज बोर्न। आई हैव नेवर स्लेप्ट विद एनी वुमन बिफोर। फिर तो राहुल बाबा भी प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर। और स्वरा भास्कर भी सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। कसम से यार, हमने भेड़ की पोशाक में भेड़िए को तो देखा है, लेकिन भेड़ की पोशाक में चर्सी को पहली बार देख रहे हैं। और जो लोग 10 साल पहले इस आदमी को यूथ लीडर बुला रहे थे, वो आज पता नहीं क्यों बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, मुंह से चू भी नहीं निकल रही है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं तो भैया इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि द वायर ने अभी तक इस आदमी को फिजिक्स टीचर का बेटा कैसे नहीं बताया है। NDTV ने इसको इंस्टाग्राम रील्स का फैन कैसे नहीं बताया है। बरखा दत्त ने इसको बिरयानी और आलू दम का फैन कैसे नहीं बताया है अभी तक। लेकिन देखिए, भले ही बहुत सारे लोग आज चुप बैठे हों, लेकिन सब लोग चुप नहीं है। पाकिस्तान जिस देश का नेशनल मोटो है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो और उनके पालतू कुत्ते आजकल बड़े दुखी हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यासीन मलिक को अरेस्ट करने से कश्मीर का जो सिचुएशन है वो और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ भाई, अरे अगर आप जहरीले सांप के दांत निकाल लीजिएगा तो वो डसेगा कैसे? कंप्लेन तो करेगा ही। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो यासीन मलिक को नेल्सन मंडेला से कंपेयर कर रहे हैं। लड़के हो तुम, चुप रहो। पाकिस्तानी आर्मी का जो ट्विटर हैंडल है, वो भी यासीन मलिक के अरेस्ट की निंदा कर रहा है। वैसे देखिए, मुझे ये ट्वीट देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे हमेशा खुशी होती है जब लोग अपने पालतू कुत्तों के लिए इस तरह से प्यार और कंसर्न दिखाते हैं।
और फिर यासीन मलिक को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के बड़े मोमिन शाहिद अफरीदी आए, जो कि इतने बड़े मोमिन हैं कि बुतपरस्ती से लड़ने के लिए वो अपना टीवी फोड़ने को भी तैयार हैं। इन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स अब्यूज कर रहा है। वाह बेटा, पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स की अब्यूज की बात कर रहे हैं। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? मतलब कसम से यार, पाकिस्तानियों को भी एक लेवल पे दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान देश की पूरी स्टोरी को नाना पाटेकर ने एक्सप्लेन किया है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इसके बावजूद आप पाकिस्तान को देखिए, इस देश से कसम से लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हमारे देश के लौंडों को देखिए, हैं इनकी गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली जाती है तो अपनी जान देने की बात करने लगते हैं। बल्कि पाकिस्तान को देखिए, आतंकवादियों ने, इस्लामिज्म ने और इंडियन आर्मी ने इस देश के पिछवाड़े का शामी कबाब बनाकर रखा हुआ है, लेकिन इस सबके बावजूद पाकिस्तानियों की अकड़ नहीं जाती है। और देखिए, पाकिस्तान तो यार जो करता है वो करता रहेगा। आइए भारत के मीर जाफरों की बात करते हैं, क्योंकि कमाल की चीज क्या है कि आज जबकि पूरे देश को यासीन मलिक के सारे करतूतों की नॉलेज है, उसके बावजूद इंडिया में ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट इंडियंस के बजाय यासीन मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। जिन लोगों के पास टेररिस्ट को डिफेंड करने का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो वो उन कोर्ट्स को फैसिस्ट बोल रहे हैं जिन कोर्ट्स ने लीगली इस आदमी को कन्विक्ट किया है। हालत ऐसी है कि एमनेस्टी इंडिया का जो एक्स चेयरमैन हुआ करता था, वो आतंकवादी को डिफेंड कर रहा है। आप देखिए कि कितनी बुरी हालत हुआ करती थी इंडिया की 10 साल पहले, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया हेड था, वो खुल्लम खुल्ला आतंकवादी सपोर्टर है। मतलब इंडिया के लेफ्टिस्ट ऐसे हैं कि यासीन मलिक ने कोर्ट में खुद बोला है कि मैं गिल्टी हूँ, उसके बाद भी इंडिया के लेफ्टिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं, तू बेकसूर है। तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। कश्मीर फाइल्स ने देखिए सच ही दिखाया था। तुम्हारी ये गवर्नमेंट हमारी नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सप्रेस कर रही है। वो आज के इस गांधी को टॉलरेट नहीं कर सकते। और देखिए, यासीन मलिक के कन्विक्शन के बाद एक और बात आप लोगों को समझनी जरूरी है कि यासीन मलिक जैसे लोग जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जो अपने आप को रेवोल्यूशनरी बोलते हैं, उनकी सच्चाई क्या है। आप देखिए, जो आम कश्मीरी मुस्लिम है वो क्या करता है, वो अपना मदरसे में जाता है, मस्जिद में जाता है, उसको वहां रेडिकलाइज करते हैं, उसको आतंकवादी बनाते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करता है और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस से गोली खाता है। जबकि उनके जो रेवोल्यूशनरी लीडर लोग हैं, वो लोग कैफेज में चिलैक्स कर रहे हैं। जो बड़े बड़े सेपरेटिस्ट लीडर हैं, वो लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे जो हैं, वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में डॉक्टर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मौज की जिंदगी जी रहे हैं। ये है इन रेवोल्यूशनरीज की सच्चाई। ये लोग मौज कर रहे हैं और इनके जो गरीब फॉलोअर्स हैं, वो इंडियन आर्मी से गोलियां खा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता था कि शिवाजी पेरिस में चिलैक्स कर रहे हैं और वो मराठास को बोल रहे हैं कि जाकर औरंगजेब को हराओ। क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता था कि महाराणा प्रताप शिमला में चिलैक्स कर रहे हैं और राजपूतों को बोल रहे हैं कि मेवाड़ को मुगलों के चंगुल में आने मत देना। लेकिन ये जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट रेवोल्यूशनरी है, ये लोग यही करते हैं। और देखिए, अब जबकि यासीन मलिक कन्विक्ट हो चुका है, तो इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन कोर्ट्स की ये ड्यूटी बनती है कि एनआईए ने जो बाकी टेररिस्टों को भी चार्ज किया है, उनके ऊपर भी केस लगाया जाए, उनको भी जल्द से जल्द कन्विक्ट किया जाए। एनआईए ने जो बाकी टेररिस्टों को चार्ज किया है, उनके नाम है फारूक अहमद डार एलियस बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट्ट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख और नवल किशोर कपूर। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन सारे आतंकवादियों पर लगाए जाए और 2-3 साल के अंतर्गत इन सबको टेरर चार्जेस पर कन्विक्ट किया जाए और या तो उम्र कैद की सजा दी जाए या फिर फांसी दी जाए। और देखिए, फाइनली मैं ये मानता हूँ कि यासीन मलिक की जो सेंटेंसिंग हुई है, ये इंडिया के लिए और कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक अधूरी जीत है। ये जीत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर को, इंक्लूडिंग POK, भारत से पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं किया जाता और कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर में रीसेटल नहीं किया जाता। क्योंकि आज आप कश्मीर की हालत देखिए, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद आप देखिए कि सिर्फ 2022 में किस तरह से कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। जब तक इस तरह से हिंदुओं के ऊपर और पेट्रियोटिक मुस्लिम्स के ऊपर अटैक होते रहेंगे, तब तक यासीन मलिक और उसकी आइडियोलॉजी कश्मीर में जीतती रहेगी।
और इस आइडियोलॉजी को परमानेंटली खत्म करने का एक ही तरीका है जो कई लोगों ने सजेस्ट किया है कि कश्मीर में एक बड़ी जमीन कश्मीरी हिंदुओं को दी जाए जहां पर कश्मीरी हिंदुओं को रिसेटल किया जाए, उनके घर बनवाए जाए और उसके साथ साथ हजारों एक्स मिलिट्री सर्विसमैन और करंटली सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को भी वहां पर सेटल किया जाए और उनको पर्याप्त वेपन्स प्रोवाइड किए जाए ताकि वो अच्छी तरह से अपनी सुरक्षा कर सके और कश्मीरी हिंदू वहां पर महफूज फील करें। इससे पहला फायदा यह होगा कि कश्मीर में जो डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा बैलेंस आएगा। दूसरा फायदा यह होगा कि कश्मीरी हिंदू वहां पर एक्चुअली सेफ फील करेंगे। तीसरा फायदा यह होगा कि जो बिजनेसेस हैं जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद वहां पर कश्मीर में आके अपने ऑपरेशन सेटअप करना चाहते हैं वो सेफली उस एरियाज में अपने ऑपरेशन सेटअप कर सकते हैं जहां पर कश्मीरी हिंदुओं को काम दिया जा सकता है, एक्स सर्विस मेंबर्स को काम दिया जा सकता है और कश्मीरी मुस्लिम्स को भी काम दिया जा सकता है। और चौथा फायदा यह होगा कि वो एक बहुत बढ़िया बेस बन सकता है जहां से फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है पीओके को भी पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकती है। और देखिए, चलिए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा हुई, फांसी नहीं हुई, लेकिन अगर वो जेल में जिंदा रहेगा तो कम से कम इंडियन गवर्नमेंट इतना तो कर सकती है कि इस आदमी के जीते जीते कम से कम इसको पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को इंक्लूडिंग पीओके को इंडिया में पूरी तरह से इंटीग्रेट होते हुए देखना पड़े, तब जाकर भारत को और कश्मीर के हिंदुओं को सही मायने में इंसाफ मिलेगा। और देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, देखकर लगता नहीं है कि जो भारत का पड़ोसी देश है उसके पास बहुत कैपेबिलिटी बची है पीओके को बहुत दिनों तक अपने पास रखने के लिए, क्योंकि आज देखिए जिस समय पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस समय पर पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, उस पूरे कैपिटल में आग लगी हुई है। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यासीन मलिक के कन्विक्शन आने के बाद आपके क्या ओपिनियंस हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में सेफली रिसेटल करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए और पीओके को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था कि मैं एक शाम शर्मा शो का कंपटीशन अनाउंस करना चाहता हूं जिसमें मैं अपने ऑडियंस को कुछ प्राइजेस भी देना चाहता हूं। उस कंपटीशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीक थोड़े डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आप उस कंपटीशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप शाम शर्मा शो के एक सपोर्टर बनना चाहते हैं तो शाम शर्मा शो को पेट्रियन पर जरूर सपोर्ट करें या फिर यूट्यूब पर भी एक मेंबर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड बढ़ाओ।